अगर कंप्यूटर चलाने आता है तो आपने एमएस पेंट का इस्तेमाल कभी ना कभी किया होगा। उसमें अपने अपनी पसंद की ड्राइंग भी बनाए होंगे और कलर भी किए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने एमएस पेंट में ग्रेडियंट कलर बनाया है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए। हाय, मैं अजीत भारद्वाज लर्न क्रिएटिव चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एमएस पेंट में ग्रेडियंट कलर कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एमएस पेंट में ग्रेडियंट कलर बनाने के लिए सबसे पहले एमएस पेंट को ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद ग्रेडियंट कलर बनाने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, उसे हमें ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर जितने भी कलर का हमें ग्रेडियंट कलर बनाने हैं उतने लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी होगी। बट ध्यान हमें ये रखना है कि जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो ना ही हॉरिजेंटल होनी चाहिए और ना ही वो वर्टिकल्स होने चाहिए। अगर आप हॉरिजेंटल या वर्टिकली कोई भी लाइन ड्रॉ करके अगर आप ग्रेडियंट कलर बनाने जाएंगे तो वो आपका ग्रेडियंट कलर नहीं बन पाएगा। सो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ग्रेडियंट कलर बनाएं, चाहे जितने भी कलर्स का ग्रेडियंट कलर बनाना चाहते हैं आपको उतनी ही लाइन तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ शेप में से लाइन ले लेते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी हमें ग्रेडियंट कलर लेने हैं उतने लाइनें हम ड्रॉ करेंगे और तिरछे लाइन में ड्रॉ करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरीके से। आप अपने पसंद से जैसा भी ड्रॉ करना चाहें आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन रिमेम्बर कि वो लाइनें तिरछी होनी चाहिए। देन एक लाइन में एक और ड्रॉ कर लेता हूँ, सपोज दैट इस तरीके का। ये मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर लिया। अब मैं आपके सामने देख रही हूँ तीन बॉक्सेस हैं, मैं तीन तरह के कलर यूज करके ग्रेडियंट कलर बनाऊंगा। तो ये मैंने आपके सामने ये तीन बॉक्सेस बना लिए हैं। अब मुझे इसमें कलर फील करना है तो मैंने फील विथ कलर ऑप्शन चुना और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ग्रेडियंट का ऊपर का हिस्सा हो वो ब्लू कलर का हो, तो मैंने यहाँ पे लाइट ब्लू ले लिया है, स्काई कलर, और इस तरीके से कलर कर दिया। देन सेकेंड कलर मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा लाइट कलर हो, तो लाइट कलर्स के लिए मैंने येलो कलर ले लिया। मैंने सेकेंड कलर येलो चुन लिया और इस येलो कलर को मैंने फील कर दिया। देन तीसरा कलर मैं डार्क चाहता हूँ तो उसके लिए मैंने ग्रीन ले लिया। मैं ग्रीन चाहता हूँ नीचे की लाइन, तो ये हमने ग्रीन कलर फील कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपके सामने जो है ये कलर दिखाई दे रहे हैं। अब इन कलरों का हमें मिक्सअप करना है और फिर जाके ग्रेडियंट कलर आपका रेडी होगा। सो इसके लिए स्टेप आपको याद रखने हैं, ध्यान रखें। आप सीधा जाएंगे यहाँ रीसाइज ऑप्शन में। रीसाइज में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर पिक्सल्स और परसेंटेज दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपको पिक्सल वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को हटा देना है। अगर आप ये लगा के रखेंगे तो इसके पिक्सल्स के हॉरिजेंटल और वर्टिकल इन दोनों में से किसी भी एक में अगर चेंजिंग करेंगे तो वो दोनों में चेंज होगा बाय डिफॉल्ट। इसलिए हम अपने अनुसार इसमें साइज चेंज करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको हटा देंगे टिक मार्क को। और फिर आपको हॉरिजेंटल जो आपको दिख रहा है इसमें सबसे मिनिमम साइज करेंगे 1, ठीक है। उसके बाद आप यहां से ओके कर देंगे तो आपके सामने ये डिस्प्ले इस तरीके से शो कर रहा होगा। बिल्कुल ही आपका पेज जो है 1 पिक्सल्स में छोटा हो चुका है। देन वापस रीसाइज ऑप्शन में जाएंगे, वापस आपको पिक्सल्स पे क्लिक करना है, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को हटा देना है और हॉरिजेंटल साइज में जो आपने मिनिमम किया था हम मैक्सिमम बढ़ाएंगे कि हमें उस पेज को कितना साइज में रखना है। तो लाइक 500 में रख के आपको फिलहाल दिखाता हूँ कि ग्रेडियंट कलर बन रहा है या नहीं। तो मैंने 500 रखा और यहाँ से ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं आपके सामने ग्रेडियंट कलर जो बनना शुरू हो गया है। अब आप अपने हिसाब से पेज का साइज छोटा बड़ा
कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 500 पे आपका पेज की जो चौड़ाई है वो इतनी हुई है। अगर आपको और ज़्यादा पेज की चौड़ाई चाहिए तो आप वापस रीसाइज में जाइए, पिक्सल्स पे जाइए, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो पे जाइए और यहाँ से आप जितना भी चाहते हैं, जैसे कि मैं 900 पे इसको बढ़ाना चाहता हूँ या मैं इसको कर देता हूँ 1200 एंड देन यहाँ से ओके कर देंगे तो आपके सामने ये ग्रेडियंट कलर बनके तैयार हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से आप बहुत ही अच्छी ड्राइंग्स आप एमएस पेंट में ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें। सो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक को लेके। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।